अररिया थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके लड़के द्वारा किए गए प्रेम विवाह के संबंध में उनके माता पिता व परिजनों ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हथियारों से लैस होकर उन पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तो इन्हीं पार्टी के साथ होगा नहीं है सरपंच साहब? आप लड़के के बताओ कि लड़की के बताओ? लड़के के वाले के तरफ से। शाहरुख के? जी। शाहरुख को समझा दी ना लड़की को लेके भाग गया नाबालिग लड़की को? अरे यार कैसे पर क्या मामला है पूरा सर? हमारा भाई और गांव की लड़की भाग गए थे, वो दोनों आपस में प्यार करते थे, वो दोनों भाग गए हैं और उनके लड़की के परिवार वालों ने हमारे घर पर हमला करा है, बंदूकें चलाई हैं, लट पर्चे चलाए हैं, हमारे चाचा लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं सर। कब की घटना है? कल की घटना है सर, 5 बजे की। कितने लोग? कितने लोग थे वो? 20-25 लोग थे। घायल कितने लोग हुए? घायल हुए 5 लोग सर। और सर करा रही है थाना में, हमने 5 बजे चाचा को और भाई को बुलाया तो उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखी हमारी। क्या कहा थाने में? थाने में हमने बोला कि रिपोर्ट लिखवा, वो कहले पहले 100 नंबर को फोन लगा, 100 नंबर पे लगा, डायल नंबर पे लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर हम थाने पहुँचाए उन्हें तो थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी। फिर हमने SP साहब, एडिशनल SP साहब को कॉल करवाया, फिर जाकर पुलिस फोर्स पहुँचे। क्या नाम? मेरा नाम अतीक खान। क्या समस्या आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि शेरपुर में जो है एक लड़का एक लड़की चले गए, दोनों अपनी मर्जी से गए, कोई किसी की मर्जी से नहीं गए। इनके बाद जाके उनने कोरबाई में उनका जो भी कार्यक्रम था वो पूरा कर लिया। इसके बाद उनके लड़की के पूरे परिवार वालों ने जो है हमारे घरों में घुस घुस के बंदूकें चलाईं, आगे लगाई, हमारी औरतों को भी मारी, चूड़ी भी फोड़ी, लाते गुम्बई मारे, कपड़े भी फाड़े। क्या लड़की नाबालिग है? नहीं, बालिग है। कैसे माने जाए बालिग? हमारे पास उस लड़के के पास जो है मार्कशीट है 8 मई की और वोटर आईडी है, वोटर आईडी में और उसमें पूरी बराबर है उम्र और ज़्यादा ही है। ठीक है।